मेरा नाम अनिल वैश्यक है, मैं बेकअप आर्टिस्ट हूँ यहाँ पर। और आज जो ओपन डे हो रहा है उसमें एज ए वॉलंटियर सर्विस दे रहा हूँ। और जो भी ग्रुप आएंगे उनको पूरा FTI घुमाना है और FTI के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है। होता रहता है, मतलब FTI में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन डे करके मतलब FTI के मतलब आम जनता के लिए खुले रहते हैं, पर ये ओपन डे मनाया गया है कि ओपन डे में सब लोग आके मतलब पुणे के लोग हैं, पुणे की सिटी के लोग हैं। यहाँ अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे आजू बाजू वाली सोसाइटी के लोग हैं, वो भी इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए भी यहाँ पर FTI में नहीं आ पाए हैं, तो उन्हें लगा कि हमारे डायरेक्टर साहब को लगा कि यार ये ओपन डे ऐसा होना चाहिए कि पुणे सिटी के पुणे पीपल से एक बार ये चीज़ से भी रूबरू हो जाए कि FTI क्या है और FTI का मायना क्या है, FTI के लोग क्या है, FTI में किस तरह से काम होता है, और वो चीज़ दिखाने के लिए सबको एक साथ यहाँ पर इनविटेशन दिया है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर इकट्ठे होकर सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और FTI के वेरियस डिपार्टमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने म्यूजियम करके पहले दिखाया कि FTI जैसे प्रभास स्टूडियो था, तो प्रभास स्टूडियो के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट में कब कन्वर्ट हुआ, किस तरह से हुआ और इसका काम किस तरह से चल रहा है, आज किस तरह से काम चल रहा है। आज FTI के बारे में लोगों को अलग अलग मान्यता है, फिल्म के बारे में, फिल्म सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट को आने के लिए पेरेंट्स के लिए अलग अलग मान्यता है कि फिल्म मीडिया, फिल्म के लोग गड़बड़ वाले लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं कि वहाँ नहीं, अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। तो आज वही पेरेंट्स आके यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लासेस कैसे है, किस तरह से काम चल रहा है और लोगों को किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बताया दिखाया जा रहा है। और इससे इस तरह से मतलब लोगों की मतलब गलतफहमी दूर होगी कि नहीं, ये भी एक पढ़ाई है जैसे दूसरी पढ़ाई होती है, ये भी, और ये भी इतना आसान नहीं है कि जितना मतलब बाकी सब्जेक्टों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं पढ़ने लिखने, उतनी ही मेहनत, या तो मैं तो कहूँगा उससे भी ज़्यादा मेहनत यहाँ लेने की ज़रूरत है। उसके बाद 1960 में ये फिल्म इंस्टीट्यूट बन गया, तो ये प्रॉपर्टी ने गवर्नमेंट लेके यहाँ इंस्टीट्यूट शुरू करवा दिया। तो बाकायदा हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं फिल्म मेकिंग के, जैसे कि डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी यानी कि कैमरामैन और साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर, एक्टिंग, आर्ट डायरेक्शन, आपने जो सेट देखा होगा ये आर्ट डायरेक्शन वालों का काम है जो है, वो सब कोर्स हम यहाँ करते हैं। ये पढ़ाई के वक्त पे 3 साल का कोर्स है, तो बहुत सारे एक्सरसाइज जो है स्टूडियो में जन एक्सरसाइज बाहर भी जाके एक्चुअल लोकेशन पे शूट करते हैं, जन एक्सरसाइज जो है वो स्टूडियो बेस्ड है, वो स्टूडियो बेस्ड है उसके लिए हम लोग यहाँ पे शूट करते हैं। और जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ चाहिए वो स्क्रिप्ट के अनुसार यहाँ पे बनाया जाता है और डायरेक्शन डिपार्टमेंट है वो खड़ा कर देता है, जैसे कि हॉस्पिटल, कोर्ट या कुछ मार्केट की गलियां या कुछ भी हो घर, इस तरह से वो सेट बना देते हैं, उस पर शूट किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्विमिंग पूल अरेंजमेंट है जिसका हम क्लोजअप शॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडियो के अंदर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम शूट कर सकते हैं, क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। और पूरा लॉन्ग शॉट लेना है तो आप स्विमिंग पूल पे जा सकते हैं, चंद क्लोजअप शॉट्स के लिए आप बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने ऊपर देख रहे हैं ये फ्लैग्स जो भी है इसको कैटवॉक कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में, जिससे लाइट माउंट किया जाता है जिसके ऊपर आपने लाइटिंग असिस्टेंट और लाइट स्टूडियो बॉयज जो भी है ऊपर रह के लाइट्स फिक्स करते हैं कैमरामैन के रिक्वेस्ट के बराबर। Thank you.
स्टूडियो नंबर 2 है। आप इसका दरवाजा देख रहे हो, जब आप इसका दरवाजा बंद होता है तो ऊपर एक सेंट्रल जेल का बोर्ड लग जाता है, तो हमारा हीरो सेंट्रल जेल से ये खिड़की से बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं से चीटिंग करना, हमारा मेन मकसद आपको मनोरंजन करना है। और कोई लोग कुछ देख फिल्म देख के बोलते कि रे फिल्म बकवास है, देखने जैसी नहीं, या कुछ हाँ हो सकता है कि तुम्हारा थॉट तुम्हारा सब्जेक्ट के लायक नहीं है क्योंकि सोच अलग है, वो हो सकता है, पर कोई फिल्म खराब नहीं हो सकती है क्योंकि वो फिल्म देखने से हमारे 200 से ज़्यादा लोगों का परिवार का पेट पलता है। अगर हमने वो बंद कर दिया तो सब लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। तो जो है ठीक है, एक बार देखो, आप लोग ब्रश करते करते टीवी देखते हो या कुछ खाना खाते खाते बातें करते देखते हो, लेकिन पर्टिकुलरली वो शॉट के लिए हमें कितने एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। भाई एक शॉट के लिए हमारा आधा घंटा से एक घंटा से लेकर दिन भी जाता है। यहाँ पर मैं संजय लीला बंसाली सर एक बार वर्कशॉप के लिए आए थे, उनके साथ मैं वर्कशॉप कर रहा था, ऐसे मैं मेकअप डिपार्टमेंट काफ़ी छोड़ी हूँ, तब मैं मेकअप आर्टिस्ट था। तो जो लड़की को मेकअप करना था वो लड़की को 4 घंटे मुझे मेकअप लगता, उसकी स्किन जर्मन स्किन थी और वो मैडम को मुझे राजस्थानी ड्रेस देना था। अब राजस्थानी लोग जनरली धूप में खड़े रहते हैं तो टैन हो जाता है उनका बॉडी, तो वो टैन करना था। तो मुझे सर के ऊपर के बाल से लेकर नाखून तक मेकअप करना था, मुझे 4 घंटे लगते थे। और उसके बाद उसको बिंदी लगाना था बॉडी पर, और उन्होंने फिर वो शूट किया है। और अभी आप नेट पे देखोगे तो वो और 2 सिमिलर वो है, आपको मालूम पड़ेगा यहाँ उन्होंने रिहर्सल किया है और वहाँ उन्होंने सेट किया, यहाँ बच्चों का यह वर्कशॉप सिखाया है। वही के वही सेम शॉट आर्टिस्ट चेंज करके वहाँ ऐश्वर्या राय है, यहाँ एक जर्मन मैडम है। अभी हम लोग जा रहे हैं कैमरे डिपार्टमेंट के लिए, आइए। अभी आप सब लोग स्टूडियो 1 में ही हो, उसके बैक साइड में हो। अभी ये सर जो है सर, वो आपको कैमरे के बारे में important thing with us, that is including Mitchell camera, another camera is also there. They have given this crane, so many things they have given, but this is amazing camera. See, this camera is having complete, it's the first generation of this camera have won that shot on this camera, not this camera, but first model of this camera. Samajh gaya aapka? जब गोली की जगह बड़ी बड़ी फिल्म बनी और भी देखोगे तो उसमें आमिर खान नहीं था, आमिर खान का पहला फिल्म को कहोगे तो वो कयामत से कयामत तक लेकिन पहली फिल्म लगभग थे बहुत आगे। तो ये बॉयज हॉस्टल्स में सब लोग रहते थे, आज भी यहाँ पर नए स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, पर हमारे पास तब 4 ही कोर्स थे, इसीलिए ये हॉस्टल ये बॉयज हॉस्टल इन इसके पीछे भी सेम बिल्डिंग ऐसा है, वो बाद में बनाया गया, बच्चे बढ़ गए इसके। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाए। जहाँ आप लोग खड़े हो उसको शांताराम पाउंड के नाम से जाना जाता है। वी शांताराम एक अच्छे डायरेक्टर थे, क्रिएटिव माइंड थे, उन्होंने सोचा कि तालाब पे शूट करना है तो आउटडोर क्यों जाए, स्टूडियो शूट क्यों नहीं। तब उन्होंने ये तालाब बनवाया और तालाब के ऊपर की साइड आप सोचोगे जब तालाब भरा हुआ रहता है तो ऊपर की साइड से आप थोड़ा भी पकड़ नहीं पाओगे कि ये आप ओरिजिनल तालाब है या आर्टिफिशियल है या स्टूडियो में खड़े हैं। और उन्होंने स्पेशल बना के ये सागर पत्थर जो डाले हैं उस जमाने में पूरे नए थे, 40-50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट आएगा तो आर्टिस्ट मतलब कुछ काटेगा नहीं, काटा चुभेगा नहीं, कांच लगेगा नहीं, पैर पिसलेगा नहीं, पर आराम से खड़ा रह सके और शूटिंग उसका ठीक ठाक हो सके, उसके
के लिए ये सजेशन से बनाया था। उसके आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ थे, बनियन ट्री बहुत सारे थे, और इसकी जो ब्रांच जो आई हुई है उसकी चारों तरफ से आई हुई थी, लेकिन हर एक की एक अपनी लाइफ होती है। वैसे वो बहुत सारे टूट गए। और यहाँ पर दूसरा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ साल में हम एक बार ड्रामा करते हैं, पर्टिकुलर एक्टिव स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम ड्रामा रखते हैं। तो उनका जो फाइनल का जो ड्रामा है वो यहाँ उसका सेट होता है। यहाँ से दो पेड़ आप जो देख रहे हैं वहाँ टूट गए, जो खाली जगह दिख रही है ना वहाँ। तो जो पीछे जगह आपको खाली दिखाई दे रही है वहाँ पर भी एक सेट बनता है, और यहाँ जो पूरा बाकी जो है पूरा रेलवे स्टेशन बनाना है, बस अड्डा बनाना है, वो हम बनाते हैं। और बाजू का यहाँ एक झोपड़ी बनाते हैं, यहाँ एक अच्छा वाला घर बनाते हैं, और यहाँ कुछ एक सेट रहता है। 5 से 7 सेट वो होते हैं, और उतने ही 5 से 7 सूत्रधार भी वो ड्रामा में होते हैं। सूत्रधार को काला कलर का कपड़ा जनरली पहनते हैं, कोई भी एक कलर रहे तो मतलब वो दिखाई ना दे, सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मतलब वहाँ पर जो सेट है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि मुझे घर कैसे जाना है, तो वहाँ पर उसके बाजू में लाइट लगी है, वहाँ सेट की लाइट है, ऑडियंस यहाँ बैठी है, सब वहाँ देख रही है, और मतलब वो सूत्रधार वहाँ बोल रहा है, बूढ़ा एक यहाँ बैठा है बाजू में सूत्रधार बोल रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बूढ़ी बैठी हुई है, कोई कपड़े वाला है, कोई बर्तन वाला है, जैसे बैठे आप और बस वहाँ पर एक अंदर जाने के लिए ग्लास, आप अंडर वाटर शूटिंग करना चाहते हैं तो एक बॉल हमने ऐसा बनाया कि वहाँ अंदर सब जो